तो गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंटिफिक हब में। गाइस आज हम बात करेंगे टिकटॉक के बारे में, जिसके बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है जो कि यूएसए में बैन नहीं होने वाला है टिकटॉक। और हम जानेंगे कि क्या इंडिया में टिकटॉक आने के चांसेस थोड़े भी बचे हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में टिकटॉक बैन हो चुका है क्योंकि उसके डेटा प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिक्कत थी। जो कि टिकटॉक है वो पूरा डेटा अपना चाइना में ही रखता था, तो इसीलिए उसे ये कहा जा रहा था कि अपना डेटा वगैरह जो है वो इंडिया को मेंटेन करने दे दे, तो ये चीज़ उसे मंजूर नहीं थी, इसीलिए टिकटॉक बैन हो चुका इंडिया में। तो गाइस इसी तरह से एक टिकटॉक यूएसए में भी बैन होने वाला था, बट गाइस वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने टिकटॉक को ऑर्डर दिया था कि जो शेयर, जो टिकटॉक का डेटा वगैरह है वो यूएसए को बेच दे या फिर वो टिकटॉक बैन कर देंगे। तो गाइस जो लास्ट डेट दिया था ट्रंप ने 16 सितंबर को दिया था, जिसके एक दिन पहले ही वो टिकटॉक ने अपना डेटा, मतलब जो अपना प्राइवेसी पॉलिसी जो भी था वो यूएसए को शेयर कर दिया। तो गाइस बहुत दिनों से जो टिकटॉक है और माइक्रोसॉफ्ट जो यूएसए की कंपनी है, उन दोनों में बातें चल रही थी डेटा प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर, बट गाइस ये जो टिकटॉक है वो एग्री ही नहीं कर रहा था माइक्रोसॉफ्ट के पॉलिसी को लेकर। बट गाइस फाइनली टिकटॉक ने मान ली है बात ओरेकल की, माइक्रोसॉफ्ट की नहीं बट ओरेकल की। ओरेकल जो एक यूएसए की कंपनी है, जिसे ट्रंप ने एक बार एक साल पहले बोला था कि ओरेकल एक अच्छी कंपनी है। तो गाइस टिकटॉक और ओरेकल दोनों कंबाइन हो चुके हैं यूएसए में। तो गाइस वहाँ पे होगा क्या कि जितने भी डेटा वगैरह है जो टिकटॉक यूज़ करता है वो सब मेंटेनेंस वगैरह ओरेकल करेगा, ना कि बाइट डांस। बाइट डांस करके कंपनी जो टिकटॉक मैनेज करती है, जो चाइनीज कंपनी है, तो वो भी तो करेगी, बट वो सब देखभाल सब ओरेकल करेगा, जो प्राइवेसी पॉलिसी थी जिससे सिक्योरिटी वगैरह मेंटेन होगी यूएसए में। गाइस से जो टिकटॉक है यूएसए में बैन भी हो सकता था, बट गाइस वहाँ पे इलेक्शन है नवंबर में प्रेसिडेंट का, इसीलिए शायद ट्रंप ने दूसरा रास्ता चुना। तो गाइस इसी तरह से इंडिया में भी टिकटॉक वापस आ सकता है, लेकिन जब वो टिकटॉक अपना इंडिया का जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है अगर वो मान ले तो। जैसे कि जो टिकटॉक है पूरा इंडिया का डेटा वगैरह सब चाइना वगैरह बाइट डांस में रखता है, जो कि चाइनीज कंपनी है, वैसे अगर इंडिया में कोई कंपनी है जैसे कि रिलायंस हो गया, अगर वो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी मान ले टिकटॉक, तो शायद इंडिया में भी वापस आने के चांसेस है। इसी कारण से गाइस जो पबजी भी बैन हुआ था इंडिया में डेटा को ही लेकर, तो गाइस जैसे कि यूएसए में अभी बैन नहीं होगा, इसी तरह से इंडिया में भी शायद आ सकता है, क्योंकि इंडिया और यूएसए का रिलेशन भी आपको पता है कितने अच्छे हैं आजकल। तो गाइस यही न्यूज़ था कि जो ओरेकल है वो टिकटॉक के साथ पार्टनरशिप कर लिया है यूएसए में, जिसकी वजह से टिकटॉक बैन नहीं होगा यूएसए में। उसी तरह से अगर टिकटॉक जो है इंडिया का प्राइवेसी पॉलिसी अगर मान लेता है, तो शायद टिकटॉक इंडिया में भी आ सकता है, बट देखते हैं क्या वो मानता है या नहीं मानता है। तो बस गाइस यही था न्यूज़ टिकटॉक को लेकर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल साइंटिफिक अभय को सब्सक्राइब करना ना भूले, इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे न्यूज़ के लिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के रिलेटेड न्यूज़ के लिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।